नमस्कार, क्रांति न्यूज इंडिया से मैं अनामिका झा। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। छावला गैंगरेप दामिनी सुप्रीम कोर्ट फैसले खिलाफ लाचार पिता ने अपील तहत निर्भया चौक कैंडल मार्च बंद करके जंतर मंतर पर जन सहयोग समर्थन मांगा। निर्भया केस से पहले की निर्भया छावला 9 फरवरी 2012 गैंगरेप को तो बिहार की दामिनी उर्फ अनामिका बदला हुआ नाम सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ दरिंदगी का शिकार हुई मृत पीड़िता के लाचार गरीब पिता कुंवर सिंह नेगी ने जंतर मंतर पर रखे धरना प्रदर्शन पर भारी संख्या में जन सहयोग समर्थन अपील के तहत अत्यंत दुख मन से मीडिया समक्ष बताते हुए कहा, द्वारका निर्भया चौक पर कुछ दिनों पहले मेरे द्वारा मना करने के बावजूद कैंडल मार्च कर रहे चंद लोगों द्वारा उनकी अनुमति के बिना जबरन उनकी बेटी अनामिका के नाम से कैंडल मार्च निकाला जाना सरासर गलत है। उनके अनुसार समझ नहीं आता, एक तरफ ये लोग मेरी बेटी की न्याय दिलाने की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ मेरे द्वारा बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर धरना प्रदर्शन के खिलाफ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्यों और किस लिए? क्या ये लोग नहीं चाहते मेरी बेटी को सही से इंसाफ मिल पाए? फिर भी मैं पीड़ित बाप इन सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, दरिंदगी का शिकार हुई मेरी पीड़ित मृत बच्ची की आत्मा को सही से इंसाफ दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर पहुँच गए, अपना जन समर्थन अवश्य दीजिए, नहीं तो निर्भया चौक पर दिखावे का कैंडल मार्च करके मेरी बेटी के नाम का गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कीजिए। इसके अलावा उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं कुंवर सिंह नेगी, किरण नेगी का फादर, मैं ये कहना चाहता हूँ जो अक्षरधाम अपार्टमेंट सेक्टर 19 में निर्भय चौक पे जो कैंडल मार्च करा जा रहा है हमारी बेटी के नाम से, वो एक धांधलीबाजी हो रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया आप ये धांधलीबाजी को रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तय दिल से किरण नेगी को न्याय दिलाना चाहते हो तो आप जंतर मंतर में आइए हम लोगों के साथ में। मैं जंतर मंतर पर रेगुलर हूँ और रहूँगा, अन्यथा ये ड्रामाबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं लेकिन एक बेटी को न्याय देने का मकसद नहीं है, वो सिर्फ एक अपना फायदा के वास्ते आप ये ड्रामा कर रहे हैं। आगे जो है, अगर आपकी ये मंशा है कि हम न्याय दिलाना चाहते तो आप रेगुलर जंतर मंतर पाए और जो है बेटी को न्याय दिलाइए। क्रांति न्यूज इंडिया से विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया की खास रिपोर्ट।